एक महीने से बनकर तैयार चाईबासा रेलवे फाटक के पास ओवरब्रिज उद्घाटन की बात जो रहा है। ऐसे में चाईबासा वासियों के लिए खुशखबरी है कि 29 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओवरब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पिछले 3 सालों से ओवरब्रिज का काम चल रहा था, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही थी। ओवरब्रिज से आवागमन की शुरुआत हो जाने पर लोगों को लंबे जाम से भी मुक्ति मिलेगी। दरअसल रोजाना यहां से 30-40 ट्रेनें गुजरती हैं, जिसके कारण हर 15 से 20 मिनट में फाटक बंद करना पड़ता है। नतीजन यहां जाम भी लगता है। इसके अलावा बेहद जर्जर सड़क से गुजरने पर लोग कई बार दुर्घटनाओं का शिकार भी हो चुके हैं। ऐसे में ओवरब्रिज के उद्घाटन की खबर से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर में नवनिर्मित फ्लाईओवर के उद्घाटन की खबर सुनकर मन खुश हो गया। इस फ्लाईओवर ने शहर के सुंदरता को तो बढ़ाया ही है, विकास का एक नया आयाम भी स्थापित करेगा। किसी भी शहर में बढ़ते समय के साथ आवागमन की सुविधा बढ़नी चाहिए। यह पुलिया का निर्माण होने से लोगों को आवागमन की सुविधाएं बढ़ेगी और अब हमें फाटक में कुछ देर इंतजार करने से भी निजात मिलने वाला है। आप सभी को बधाइयाँ। पूर्व में जब फाटक में जब बैरियर गिरते थे, आवागमन जब बाधित होती थी, तो सालाना हजारों लीटर पेट्रोल डीजल लोगों के जल जाते थे, आर्थिक नुकसान होता था, समय की बर्बादी होती थी। यह सब चीज़ों से अब लोगों को निजात मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार, रेलवे डिपार्टमेंट और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी इसके लिए अपनी सजग भूमिका महती भूमिका निभाए हैं, सभी को मैं अंतर्करण से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी सर, उद्घाटन करके बहुत अच्छी बात है, अच्छा सराहनीय कदम है। इसका तो उद्घाटन होना ही था, बस सीएम के द्वारा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।